और माननीय अखिलेश यादव जी ने लखीमपुर की जाने के लिए जो अपने घर से निकला तो उनको पुलिस के द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये सरकार किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है और नौजवान विरोधी है। हम कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जल्द से जल्द अगर रिहा नहीं किया गया तो हम नौजवान, हम यहाँ के मिर्जापुर के समाजवादी पार्टी के सभी सिपाही अवरदा के लिए बाध्य हो जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं कहना है तो लाइन कहना है अपने माननीय महबूब नेता अखिलेश यादव जी के लिए कि लगते जिगर अब अखिलेश के लिए, लगते जिगर अब अखिलेश पर जान निछावत कर देंगे और अगर वक्त ने मांगा खून हमारा तो वक्त का दामन भर देंगे। नौजवान साथी, अगर हमारे नेता माननीय चित्र मिर्जापुर में ईद का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे, अब हम अगले वक्ता के रूप में नौजवान साथी छात्र सभा के जिला महासचिव भाई पीयूष यादव जी से जाएंगे। इस कार्यक्रम में अपनी बात रखे पीयूष यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का शानदार संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई जिले के महासचिव भाई अभय यादव जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के शानदार जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री देवी प्रसाद चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय श्री मुन्नी यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक यादव जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नौजवान साथी। साथियों, आप सभी को पता है और सिर्फ समाजवादी पार्टी के नौजवानों को नहीं बल्कि पूरे देश को यह पता है कि कल केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने नौजवान किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी और आठ किसानों ने वहीं पे दम तोड़ दिया, कितने अपने जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। साथियों, ये पुलिस के लोग यहाँ उपस्थित जरूर है, आप इतनी बड़ी संख्या में, आप इतने बल के साथ अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए मेहनत करते तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोज डेली अपराध न बढ़ता, रोज डेली बलात्कार न बढ़ता। एक तारीख कुशवाहा को बलात्कार करके 10 मंजिल ऊपर से फेंक दिया गया, आप लोग उसके बलात्कार से नहीं पकड़ पाए। मनीषा बाल्मीकि का रेप कर दिया गया, रातों रात उसका आत्महत्या कर दिया, यही जिलाधिकारी रात के 12 बजे उसकी उसका अंतिम संस्कार करा देते हैं, आप लोग कुछ नहीं कर पाए। आप यहाँ पोस्टर बचाने आए हो या तो साहब, आप पोस्टर के लिए समाजवादी पार्टी के नेता के हाथ लगा रहे हो, आप यहाँ किसानों की जान नहीं बचा पाए और यहाँ पोस्टर बचाने आए हो। आपकी हचकन नहीं है हम समाजवादियों को रोकने की, हमारे नेता का आदेश हो गया और हमारे नेता पे अगर घरों जा गई तो पूरे मिर्जापुर नहीं पूरे प्रदेश को धुआं धुआं कर देंगे हम समाजवादी। अधिकारी के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं, न्याय नहीं किया गया, ये काला कानून वापस नहीं लिया गया। हम समाजवादी नौजवान, हम समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अपनी जान को निछावर कर देंगे, अपना एक एक नौजवान निछावर कर देंगे। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग सरकार की ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने में हम लोग बिल्कुल कतई पीछे नहीं हटेंगे और इस चेतावनी के साथ सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद नौजवान साथी पीयूष यादव जी, जिस तरीके से आपने बात कही, अगर हमारे नेता को कहीं खरोंच तक आ गई पूरा उत्तर प्रदेश आज धुआं धुआं हो जाएगा। ये दम्भी सरकार, किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार, व्यापार विरोधी सरकार, इन्होंने उत्तर प्रदेश को आम आवाम को छलने का काम किया है। अगले वक्ता के रूप में हम नौजवान साथी रवि यादव से चाहेंगे, वे इस धरना से अपनी बात रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों के नेता, हम लोगों के मार्गदर्शक बड़े भाई अभय यादव जी, उनको धन्यवाद। हम लोगों के जिला अध्यक्ष मंत्री देवी प्रसाद चौधरी जी, हमारे सरकार में पूर्व राज्य मंत्री मुन्नी यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव जी, तमाम समाजवादी साथियों, मैं सुबह सोकर उठा
मैं सुबह सोकर उठा तो अपना फोन चालू किया तो लगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 302 का मुलजिम है। आप लोग 302 का मुलजिम को इतना छावनी नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने उस किसान और उस गरीब परिवार को जा रहे थे राहत सहाय दिए देने के लिए, ये पुलिस, ये योगी बाबा की सरकार ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस को आगे करके उनको गेटों पर इतना बढ़ चढ़ कर पुलिस वालों को पारा दिलवा रही है। हम उन नौजवानों पुलिस से पूछना चाहते हैं कि उस गरीब परिवार से जाकर पूछिए जिसका लाल 6 दिन से 6 नौजवान चले गए हो, उस माँ की कोख उजर गई हो, उस पुलिस जवान, वो बाबा योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहते हैं, इस कलेक्टर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अब अत्याचार नहीं होगा, अब समाजवादी रोड पर आ गए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। इसी के साथ धन्यवाद। साथियों, अब हम अगले वक्ता के रूप में नर्मदा साथी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भाई आकाश यादव से चाहेंगे इस कार्यक्रम में अपनी बात रखे। भाई आकाश।